नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको आगामी रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसएससी जैसी समस्त परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का यहाँ पर पहला प्रश्न लिया गया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव किस वर्ष रखी गई थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव किस वर्ष रखी गई थी। ऑप्शन में है दोस्तों, ए 31 अक्टूबर 2014, 31 अक्टूबर 2013, 31 अक्टूबर 2016, या ऑप्शन डी 21 अक्टूबर 2009। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 31 अक्टूबर 2013 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव रखी गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है। तो दोस्तों, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। किस महापुरुष की? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, यह गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा कि गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी की किस द्वीप पर स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के किस द्वीप पर स्थित है। तो दोस्तों, यह दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साधु बेट द्वीप पर स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे एक साधु बेट द्वीप नाम कर एक जगह है, जहां पर यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में कितनी लागत आई, या फिर लागत क्या है। तो दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में 2,989 करोड़ रुपए का खर्च हुआ या लागत आई। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, या फिर हाइट कितनी है। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट 182 मीटर, या फिर आप कह सकते हैं 597 फिट है। कितनी? 182 या फिर 597 फिट की हाइट है दोस्तों, जो कि है विश्व की सबसे बड़ी हाइट वाली यूनिटी या फिर स्टैचू बन गया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन तैयार करने वाले थे राम सुधार जी। कौन थे? राम सुधार जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन तैयार किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने का ठेका किस कंपनी को दिया गया था। किस कंपनी को दिया गया था, यहाँ पर स्टैचू ऑफ बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है। तो दोस्तों, इसका नाम है लारेंस एंड टूब्रो। किस क्या नाम है? लारेंस एंड टूब्रो कंपनी है एक भारत की, जो कि है स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण कब किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण कब किया गया था। दोस्तों, यह किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिन के अवसर पर, या जन्म तिथि या जन्म जयंती भी बोल सकते हैं आप इसको। उनका जन्मदिन था 31 अक्टूबर, उस दिन हुई को ही यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कितनी दूरी से देखा जा सकता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कितनी दूरी तक देख कितनी दूरी से देखा जा सकता है। तो दोस्तों, यह 12 किलोमीटर से दूर दूरी से भी यह साफ साफ देखी जा सकती है। ये इतनी विशाल प्रतिमा है कि इसको 12 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी का मुख्यालय स्थित है। लार्सन एंड टूब्रो कंपनी का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों, यह
मुंबई के अंदर स्थित है, कहाँ पर? महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है इसका मुख्यालय। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के किस ज़िले में स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के किस ज़िले में स्थित है? दोस्तों यह नर्मदा ज़िले में स्थित है, गुजरात के नर्मदा ज़िले में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर इन फॉर यूनिटी नामक मैराथन दौड़ का आयोजन पूरे भारत में कब किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? यह 15 दिसंबर 2013 को किया गया था। इन फॉर यूनिटी नामक मैराथन दौड़ का आयोजन 15 दिसंबर 2013 को किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दोस्तों 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 में इनका जन्म हुआ था, इसलिए 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के दिवस या जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी या किसने दी थी? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली आंदोलन की महिलाओं के द्वारा दी गई थी या बरदौली की महिलाओं ने दी थी, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किन अन्य नामों से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को और अन्य किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन ए बिस्मार्क, ऑप्शन बी लोह पुरुष, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क और लोह पुरुष दोनों नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल किस पद पर रह चुके हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल किस पद पर रह चुके हैं? ऑप्शन ए उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। तो दोस्तों यह दोनों पदों पर रह चुके हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, यानी कि ए और बी दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न है, कर मत दो, कर मत दो यह नारा किसने दिया था? कर मत दो का नारा किसने दिया था? दोस्तों यह नारा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है या फिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ऑप्शन ए है मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन बी नागपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी अहमदाबाद गुजरात, या ऑप्शन डी गांधीनगर गुजरात। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद के अंदर स्थित है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया था? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1991 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।